इंडियन आर्मी के 6 आर्मी चीफ्स, 35 कमांडर्स, एयरफोर्स और नेवी के कई कमांडर्स इन चीफ, सैकड़ों जनरल, एडमिरल, एयर मार्शल्स, ये सब लोग अपने आप को एक खास नाम से बुलाते हैं, रिमकॉलियन। लोहार की धौंकनी में जैसे लोहा तैयार होता है, रिमकॉलियन भी ऐसी ही एक धौंकनी में तैयार होते हैं। हम बात कर रहे हैं एक स्कूल की जिसे क्रेडल ऑफ एक्सेलेंस कहा जाता है, जहां तैयार होते हैं भारतीय सेना के जाबाज ऑफिसर्स। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं तारीख, जिसमें आज हम सुनाएंगे कहानी राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज यानी RIMC की। इस कॉलेज से पढ़े लिखे लोग खुद को रिमकॉलियन क्यों बुलाते हैं ये तो आप समझ ही गए होंगे। इस कॉलेज की शुरुआत कैसे हुई ये जानने से पहले शुरुआत करते हैं एक किस्से की। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई, गांधी इंग्लैंड में थे तब, साथ में कस्तूरबा थी। इंग्लैंड के साउथ कोस्ट में कुछ अस्थायी हॉस्पिटल्स बने हुए थे जो खासकर ब्रिटिश इंडियन आर्मी के थे। यूरोप में चल रही लड़ाइयों में जो भारतीय घायल हो जाते उन्हें इन्हीं हॉस्पिटल्स में लाया जाता। कस्तूरबा ने युद्ध के दौरान इन आर्मी हॉस्पिटल्स में वॉलंटियर का काम किया। उनके साथ वॉलंटियर रहे दयाराम थापर लिखते हैं, कस्तूरबा सभी बीमारों घायलों का ख्याल रखती। कुछ लोग उनके हाथ से खाना खाने से इनकार कर देते तो वो उनके बर्तन धोकर उनमें खाना देती थी। फिर इन अस्पतालों में इलाज पाने वालों में वो हजारों भारतीय सैनिक थे जिन्होंने अंग्रेजों की तरफ से विश्व युद्ध में हिस्सा लिया। संख्या के हिसाब से बताएं तो कुल 15 लाख भारतीय विश्व युद्ध में लड़े, लेकिन इसके बावजूद ये वो दौर था जब भारतीय सैनिकों को ऑफिसर नहीं बनाया जाता था। हालांकि विश्व युद्ध में भारतीय सैनिकों के पराक्रम को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने तय किया कि उन्हें भी किंग्स कमीशन फिर दिया जाए। भारतीय सैनिक इसके बाद पहली बार अफसर बनना शुरू हुए और इस सब की शुरुआत हुई देहरादून की वादियों में बने एक स्कूल से जिसका नाम है राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज या RIMC। 18वीं सदी में मुगल साम्राज्य के अंत तक भारत में ब्रिटिशर्स की ईस्ट इंडिया कंपनी का उदय होता है। एक कंपनी जो अपने व्यापार के फायदे के लिए एक छोटी सी फौज भी बनाती है। कंपनी कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे जैसी प्रेसिडेंसीज में अपने व्यापार के फैलने पर भारतीयों को सेना में रखने का फैसला भी करती है। इस तरह अस्तित्व में आई बंगाल रेजिमेंट और मद्रास रेजिमेंट। हालांकि इन रेजिमेंट्स में हिंदुस्तानी लोग ऑफिसर नहीं बन पाते थे, कप्तान जो होता था हमेशा अंग्रेज होता, जिसकी मदद के लिए भारतीयों को सूबेदार और जमादार जैसे पद ही मिलते थे। फिर साल 1760 में अंग्रेजों ने एक नया प्रयोग किया, मोहम्मद यूसुफ अली खान नाम के एक भारतीय सूबेदार को मद्रास आर्मी का कमांडेंट बनाया गया। लेकिन यूसुफ अली खान ने खुद को मद्रास और तिरुनेलवेली का स्वतंत्र राजा ही घोषित कर दिया। इस घटना से अंग्रेजों ने सबक लिया कि भारतीयों को ऑफिसर नहीं बनाना चाहिए। यूसुफ अली खान को मौत की सजा दे दी गई ताकि दोबारा ऐसी गलती करने की कोई सोचे भी ना। इस घटना के बाद भारतीय रेजिमेंट्स के लिए एक नया पद बनाया गया, सूबेदार मेजर का पद, जो 65 से 70 वर्ष की उम्र में जाकर ही मिलता था। कहने को ये प्रमोशन था, लेकिन अब भी भारतीय ऑफिसर्स वाला ओहदा नहीं रख पाते थे। इसके बाद आया साल 1857, क्रांति हुई। ब्रिटिश लोगों ने पहली बार भारत के लोगों का आक्रामक चेहरा देखा। विद्रोह इतना ज़बरदस्त था कि ब्रिटेन की राजशाही ने भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से अपने हाथों में ले लिया। इस विद्रोह का नतीजा था कि भारतीयों को अफसर बनाने का आइडिया पूरी तरह ड्रॉप किया गया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया में नेहरू लिखते हैं कि आर्मी के सभी पदों पर अंग्रेज ऑफिसर ही नियुक्त थे, इन्हें किंग्स कमीशन मिलता था, यानी ब्रिटेन के राजा द्वारा आर्मी में ऑफिसर का पद दिया जाता था। कोई भी भारतीय किंग्स कमीशन नहीं पा सकता था। एक नया नया कमीशन हुआ, अंग्रेज भी अनुभवी भारतीय सैनिकों से सीनियर हुआ करता था। अकाउंट्स विभाग में एक अन्य क्लर्क पद के अलावा कोई भी भारतीय सेना मुख्यालय में काम तक नहीं कर पाता था। 1887 के कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार ये मांग उठाई गई कि फौज में भारतीयों को भी ऑफिसर रूप में कमीशन किया जाना चाहिए, जब खून हमारा बह रहा है तो हम लीड क्यों नहीं कर सकते। तब कमांडर चीफ जनरल फ्रेडरिक रॉबर्ट्स ने ये कहते हुए प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया कि भारतीयों को कोई रैंक नहीं दी जा सकती, क्योंकि इस तरह वो ब्रिटिशर्स के बराबर हो जाएंगे। रेसिस्ट बात। इसके अलावा कोई भी ब्रिटिश सैनिक अपने से ऊंचे पद वाले भारतीय ऑफिसर की बात नहीं मानेगा। कमाल की बात यह थी कि यही रॉबर्ट साहब राजपूत, सिख, जाट और गोरखा सैनिकों के मुरीद होते थे। कहा करते थे कि इन्हें लेकर मैं किसी भी यूरोपियन आर्मी का सामना कर सकता हूं। यहां से आगे हम पहुंचते हैं 20वीं सदी में। 1899 में वॉइसरॉय बने लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन वही वॉइसरॉय थे जिनके कार्यकाल में बंगाल का विभाजन हुआ।
इस वक्त तक भारतीय फ्रीडम मूवमेंट एक मुकम्मल शक्ल लेने लगा और इसी मूवमेंट की एक मांग ये भी थी कि ब्रिटिश इंडिया नामी का भारतीयकरण किया जाए, साथ ही भारत के लोगों को भी फौज में बराबरी का मौका मिले। कर्जन भी मानते थे कि ब्रिटिश इंडिया नामी को भारतीय टच की ज़रूरत है, इसलिए राजसी और कुलीन घरानों से 20-30 लोगों को लेकर उन्होंने एक इम्पीरियल कैडेट कोर ICC बनाया। ICC के किसी भी ऑफिसर के पास ब्रिटिश या भारतीय सैनिकों को आदेश देने की शक्ति नहीं थी। कुल मिलाकर यह बस दिखावे का एक फिनिशिंग स्कूल था जिसे 1917 में भंग कर दिया गया। इधर इसी बीच 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ, ग्रेट वॉर। जैसा पहले हमने बताया, प्रथम विश्व युद्ध में 15 लाख भारतीयों ने हिस्सा लिया, 60,000 भारतीयों की शहादत हुई, 70,000 जख्मी हुए। इसके अलावा हजारों ऐसे थे जो लापता थे और जिनका कभी पता नहीं चला। इस युद्ध में भारतीयों का पराक्रम ऐसा था कि 11 भारतीय सैनिकों को ब्रिटिश फौज के सबसे ऊंचे सम्मान विक्टोरिया क्रॉस से नवाजा गया। मॉडर्न टाइम्स में हिंदुस्तान में जैसा परमवीर चक्र होता है, तब विक्टोरिया क्रॉस था। युद्ध के दौरान चूंकि लाखों भारतीय फौज में शामिल हुए थे, इसलिए युद्ध खत्म होने के बाद उनके अधिकारों की मांग और तेज हुई। 1917 में अंग्रेज भारतीयों को किंग्स कमीशन देने के लिए तैयार भी हुए। 1917 में पहली बार 7 भारतीयों को किंग्स कमीशन ग्रांट किया गया। इन्हें किंग्स कमीशन इंडियन ऑफिसर यानी KCIO कहकर बुलाया जाता था। इसके लिए भारतीय सैनिकों को ब्रिटेन के रॉयल मिलिट्री कॉलेज सैंडहर्स्ट जाना पड़ता था, जहां बाद में 10 सीटें हिंदुस्तानियों के लिए आरक्षित की गईं। किंग्स कमीशन की मांग तो इस तरह मानी गई, हालांकि एक सवाल अभी भी बना हुआ था कि भारतीयों को शुरुआत से अफसर बनने के लिए ट्रेन कैसे किया जाए। इसी सवाल के जवाब में 1921 में ब्रिटिश सरकार ने एक प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव ये कि देहरादून में जहां इंपीरियल कैडेट कोर का कॉलेज था, वहीं एक मिलिट्री ट्रेनिंग स्कूल बनाया जाए। इसके पीछे सोच थी कि छात्रों को शुरुआत से ट्रेन किया जाए ताकि वो आगे जाकर ब्रिटेन के सैंडहर्स्ट में स्थित रॉयल मिलिट्री स्कूल में दाखिले के काबिल हो जाएं। इसी सोच के तहत 1922 में प्रिंस ऑफ वेल्स प्रिंस एडवर्ड, जो 8वें एडवर्ड थे, भारत आते हैं और 23 मार्च 1922 को उन्होंने देहरादून में एक मिलिट्री स्कूल का उद्घाटन किया। उनके सम्मान में स्कूल का नाम रखा गया प्रिंस ऑफ वेल्स रॉयल इंडियन मिलिट्री कॉलेज। आज़ादी के बाद यही कॉलेज आर जो रॉयल था राष्ट्रीय हो गया, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज इस नाम से जाने लगा। RIMC के पहले बैच में 27 कैडेट्स थे, इनमें से एक नाम था KS थिमैया का। जनरल थिमैया आगे चलकर इंडियन आर्मी के चीफ ऑफ स्टाफ बने। परमवीर चक्र से सम्मानित पहले सैनिक मेजर सोमनाथ शर्मा भी रिमकॉलियन ही थे। इनके अलावा आगे चलकर स्कूल से पास हुए कई लोग भारतीय सेना में ऊंचे औहदों तक पहुंचे, और भारतीय ही नहीं पाकिस्तान की फौज के अधिकारी भी स्कूल से पास हुए थे, क्योंकि पहले तो मुल्क एक ही था। कुछ नाम हम आपको बता देते हैं पाकिस्तानी ऑफिसर्स के, जनरल गुल हसन हैं, एयर चीफ मार्शल असगर खान हैं और नूर खान हैं। वर्तमान की बात करें तो RIMC में 200 से अधिक कैडेट पढ़ाई करते हैं, जिन्हें नेशनल डिफेंस अकेडमी NDA और इंडियन नेवल अकेडमी INA ज्वाइन करने के लिए ट्रेन किया जाता है। RIMC को रक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है और यहां दाखिले के लिए आवेदक की उम्र 11.5 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 13 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। RIMC साल में 2 बार एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करवाता है, जो दिसंबर में होता है और जून के महीने में होता है। हर साल 50-50 छात्रों को 2 किस्तों में दाखिला दिया जाता है। 2022 तक RIMC में केवल लड़कों को ट्रेनिंग दी जाती थी, सुप्रीम कोर्ट के दखल देने के बाद लड़कियों को भी एडमिशन अब मिलने लगा है। तारीख का एपिसोड लिखा था हमारे साथी मानस ने और उनकी मदद की थी हमारे साथ इंटर्नशिप कर रहे शिमांश ने, और इस एपिसोड को रिकॉर्ड किया था कई और ढेर सारे तारीख के एपिसोड्स की तरह ही आपके और हमारे दोस्त जतिन ने। आप देखते रहिए दी ललन टॉप।